बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार विधानसभा के बजट सत्र की। बिहार विधानसभा में भी बजट सत्र जबरदस्त हंगामे के साथ आगे बढ़ रहा है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं विपक्षी खेमा विभिन्न मुद्दों को लेकर पोर्टिको में प्रदर्शन करता हुआ, न सिर्फ बिहार विधानसभा पोर्टिको में बल्कि बिहार विधान परिषद पोर्टिको में भी विपक्षी खेमा कांग्रेस आरजेडी माले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए आप तस्वीरों में देखिए। आरजेडी प्रमुख रावड़ी देवी, कांग्रेस नेता भी हैं रामचंद्र पूर्वे भी हैं और तमाम आरजेडी के विधायक विधान परिषद के बाहर और दूसरी ओर विधानसभा भवन के बाहर भी विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्य तौर पर शिक्षकों की समस्या को लेकर जो शिक्षक हड़ताल पर हैं उनकी मांगों को मानने को लेकर दबाव बनाने की कोशिश और दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसे भी विधानसभा में उठा रहे हैं विपक्ष के सदस्य। किसानों को जो प्राकृतिक मार से जूझना पड़ रहा है उनके नुकसान की भरपाई की मांग, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग माले विधायक द्वारा, प्रारंभिक स्कूलों की बदहाली को दूर करने की मांग, तो विपक्ष की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश। लगातार विधानसभा का सत्र हंगामेदार चल रहा है, सदन के बाहर से लेकर सदन के भीतर तक सदस्य हंगामा कर रहे हैं। इस मामले पर आरजेडी सदस्य रामचंद्र पूर्वे की भी प्रतिक्रिया आई है, वो आपको सुनाते हैं। की बहाली के लिए जो परीक्षा ली जाती है प्रश्न पत्र लीक हो जाए इससे बढ़ कर करके राज्य के लिए अपमान की क्या बात है। आज जितने भी परीक्षा हो रही है नीतीश सरकार में पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और लीक हो जाने के चलते जो सही जो योग्य जो परीक्षार्थी हैं जो योग्य अभ्यर्थी है उसकी नियुक्ति नहीं होती है और कहीं ना कहीं मैनेज कर करके दरोगा नियुक्त हो जाते हैं और इस तरह के जो दरोगा नियुक्त होते हैं वो आरसीपी में लग रहते हैं। आरसीपी का मतलब आप समझते हैं, आरसीपी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम, जो सरकार का चल रहा है रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम, तो इस तरह से गलत ढंग से नियुक्त माने भ्रष्टाचार को बढ़ाने में रहते हैं और हमेशा रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम में लगे रहते हैं। तो सीधे तौर पर विपक्ष का हमला सत्ता पक्ष पर और बहाली प्रक्रिया को रेवेन्यू कलेक्शन की बात कहते हुए विपक्षी सदस्य सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं। आरसीपी रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम बता रहे हैं पूरी बहाली प्रक्रिया को, जो दरोगा भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो विवाद खड़ा हुआ है उस विवाद को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्षी दल के सदस्य विधानसभा के बाहर और विधानसभा के भीतर दोनों जगहों पर हंगामेदार प्रदर्शन, सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रोहित, विपक्षी खेमा ने तो सीधा हमला बोल दिया है, आरसीपी का फुल फॉर्म बना दिया है रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम और दरोगा बाहर अभ्यर्थियों को इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बता रहे हैं विपक्षी दल के सदस्य। सीधे तौर पे दीपक जी, बिहार विधानसभा का जो लगातार बजट सत्र चल रहा है उसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है और कोई भी ऐसा मौका नहीं है, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके सत्ता पक्ष में बैठे नीतीश सरकार के तमाम जो मंत्री है उसको घेरने में विपक्ष नहीं लगा हुआ है। दरोगा अभ्यर्थी को लेकर आज राबड़ी देवी खुद बिहार विधान परिषद में हंगामा किया और सीधे तौर पर कहा कि जो भी दरोगा अभ्यर्थी जो भी परीक्षा हुई है प्रश्न पत्र लीक हुआ और इसमें पूरी तरह से धांधली की गई है और इसको लेकर सीबीआई जांच की जाए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सीबीआई जांच के बैकफुट पे है और सीधे तौर पे नीतीश के जो सबसे करीबी जो राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह उसको ही निशाना साधा और कहा कि अगर किसी तरह की बहाली होती है कोई भी जो भी कार्य होता है सरकारी कार्य उसमें आरसीपी सिंह को का हिस्सा बना रहता है, इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। तो आप समझ सकते होंगे कि लगातार विपक्ष हर एक मुद्दे को लेके हमलावर है और आज जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के बजट सत्र के नौवें दिन की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से आज भाई वीरेंद्र हो या तमाम जो बड़े लीडर हो विपक्ष में मनोज कर्ता के विधायक हैं आरजेडी से, उन्होंने जल जमाव को लेकर भी निशाना साधा और सीधे कहा कि जल जमाव की जो कमेटी रिपोर्ट आई थी वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को बचाया गया, उसको लेके जो बड़े लीडर हैं राजद के उन्होंने स्पीकर से ये गुहार लगाई है कि सुपर कमेटी बनाया जाए और इसकी जांच कराई जाए। अगर सुपर कमेटी के तहत अगर ये जांच करवाई जाएगी तो कई ऐसे जो
जो अधिकारी है जल जमाव के कारण पटना पूरी तरह से त्राहिमाम मचा हुआ था, उसमें इसके लपेटे में कहीं ना कहीं आएंगे। और इसको लेकर सदानंद सिंह और कांग्रेस और राजद और तमाम लोग जो है वो चुनाव रहे हैं, दरोगा अभ्यर्थी हो या जल जमाव का मुद्दा, उसको लेकर या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल बनाने यूनिवर्सिटी, यानी कि पूरी संभावना है कि जब तक ये बजट सत्र चलेगा इस तरह के आरोप और हंगामे देखने को मिलते ही रहेंगे। बहरहाल रोहित, कार्रवाई पर नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार आवामी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।